तब हमारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, फैमिली तो हमारी खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को अगर बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो लाइफ में मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, चाहे आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो। जिसका साथ आपने पकड़ा है ना, उसका साथ आपके साथ होना जरूरी होता है। लाइफ एकदम स्मूथ हो जाती है, मैं बोलता हूँ ना एकदम मक्खन माफिक। अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए बर्थडे। और पता है जितने भी फूड प्लाजा में सर्वेंट्स लगे रहते हैं ना, हमने उस दिन सबको केक खिलाया, केक खिलाया, बहुत अच्छा लगा था। वो लोग भी बहुत खुश थे और हमें भी अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने वहीं, क्योंकि जो टॉप फ्लोर है डीबी मॉल का वो पूरा फूड प्लाजा है, तो वहीं बैठकर हमने केक से बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहीं पे फिर डिनर किया, थोड़ी देर बातचीत किए, फिर टाइम हो गया था तो हमने इन्हें ड्रॉप किया और हम लोग भी घर आ गए। फिर मैं मतलब इनसे डेली डेली रूटीन ही था, मैं मिलने जाता था। और हम लोगों को क्या है, शुरू से ही शॉपिंग का बहुत क्रेज रहा है, तो वीक में एक दो बार तो हम लोग शॉपिंग के लिए न्यू मार्केट जाया ही जाया करते थे। और फिर आई फरवरी, फरवरी में कपल्स का जो वीक होती है यार, वैलेंटाइंस वीक, ये तो बात ही अलग रहती है। और हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन था, तो हम भी चाह रहे थे कि कुछ इसको स्पेशल किया जाए, हर दिन को एक अपनी तरह से। वैसे भी हमारा हर डे जो होता था ना, वो वैलेंटाइन डे से कम नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना खुश होते थे ना, मतलब बहुत खुश होते थे। हमारे आज भी ऐसे ही लगता है हमें। बिल्कुल। और आज हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं 11 जुलाई 2020, आज ही के दिन फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिले थे। पार्ट वन अगर किसी ने देखा होगा तो वो जान सकता है कि हम लोग कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखे थे। तो फेस टू फेस जो हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे वो आज ही का दिन था। आज जो सैटरडे है तो उस दिन भी सैटरडे ही था, बट आज का मौसम हमारे यहाँ का अच्छा है। उस दिन बहुत बारिश हुई, उस दिन तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश। फिर वैलेंटाइंस डे वीक आया और हर दिन हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, रोज डे से लेकर वैलेंटाइंस डे तक। जो वैलेंटाइन डे था ना, वो हमारे लिए मतलब बहुत स्पेशल डे था, क्योंकि फर्स्ट वैलेंटाइन डे। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे इन्हें अगर कुछ गिफ्ट दिया था तो वो था साड़ी, और वो ही साड़ी इन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन पहनी। फर्स्ट साड़ी मैंने गिफ्ट किया। चॉइस की कभी इसलिए प्रॉब्लम नहीं गई है क्योंकि हमारी जो चॉइस है वो बिल्कुल सेम है। कभी अगर ये कुछ लेकर आती है मेरे लिए तो मैं आंख बंद करके उसे पसंद कर सकता हूँ, पहन सकता हूँ, क्योंकि पता है कि ये जो लेकर आ रही है वो क्या है और कैसा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा वैलेंटाइंस डे रहा है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं। और इनफैक्ट जो हमारे साथ के कुछ कपल्स थे इनके फ्रेंड सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो भी काफी मतलब देखकर हमें बोलते थे कि यार कपल हो तो तुम लोगों जैसा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे में जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है वो कहीं और नहीं मिल पाती है। वैसे कैसे है तुम्हारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्या बताएं, भगवान ने शायद हमें एक दूसरे के लिए बनाया था, तो शुरू से एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी डेली ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी रहती है जो हम लोग एक साथ बोल देते हैं और सेम तरीके से बोलते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हम घर पे बात कर रहे हैं, गाने भी एक साथ एक ही लाइन निकलती है। हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जो जब भी मतलब अचानक मूड वैसा हो जाता है और जब सॉन्ग हम लोग गुनगुनाते हैं तो बिल्कुल एक साथ सेम लाइन सेम सॉन्ग, बहुत बार होता है ऐसा, इसी को कहते हैं प्यार। और हम लोग हैं और फैमिली इसलिए हमसे बहुत खुश है। वैलेंटाइंस डे तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, जैसे तैसे समय जो था वो आगे बढ़ता गया, हमारी मुलाकातें तो डेली की थी।
बट एक टाइम आया 28 फेब, वो मैं सोचता हूँ तो मैं अभी भी इमोशनल हो जाता हूँ बहुत, क्योंकि इनका घर जाने का टाइम था और वो जो फीलिंग थी मेरे लिए वो बहुत मतलब ही अलग थी। मतलब ये था कि फाइनली ये नहीं पता था कि ये कब आएंगी कि नहीं आएंगी, फिर हम लोग कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए अब जब जा रही हैं आप तो क्यों ना मैं छोड़ने भी चलूं। इतना सारा सामान था, क्योंकि क्या होता है कि जब घर से हम आते हैं ना तो एक बैग लेकर आते हैं, लेकिन रहते रहते अगर आपको सालों हो जाते हैं तो सामान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और हम लोग वैसे भी शॉपिंग करने में तो मतलब एक्सपर्ट है, बहुत शॉपिंग करते हैं, तो एक दो बैग की जगह नहीं 7-8 बैग हो गए थे। हमने कैब बुक करी और सामान लेके पहुंचे स्टेशन, रीवा पहुंचे, रीवा से फिर घर पहुंचे इतना सारा सामान लेकर, तो घर वाले भी शौक थे इतना सारा सामान कि गया तो एक बैग था और आया है तो 7 बैग एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन जब भी हम लोग घर पहुंचते थे ना साथ में, सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। फिर मैंने छोड़ने के लिए गया, कुछ दिन रहा कि मुझसे भी एकदम छोड़ कर आते नहीं बन रहा था, कुछ दिन रहे फिर मैं आ गया हूँ। फिर जब ये लोग मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे, तो यार मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ऐसा एकदम फूट फूट कर रो रहा था। जब ट्रेन पे मैं चढ़ा हूँ और लोगों से सी ऑफ हो रहा है तो बहुत मतलब ये लगता है कि यार जिनका प्यार अगर उन्हें नहीं मिल पाता तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, जो मुझे सिर्फ इन्हें रीवा छोड़कर भोपाल आने में होगी। ऐसा भी नहीं था कि हम कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा हो गया था कि शादी तो हमें करनी ही थी। पहले ही सोचकर हमने हमारे प्यार को आगे बढ़ाए थे और फैमिली तक बात पहुंचा दी थी, तो डेफिनेटली था कि शादी। लेकिन वो जो दिन भर साथ रहते थे तो एक आदत हो जाती है ना, तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करूँगा। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा मैं रोया हूँ, बहुत मतलब भोपाल आते आते तक मैं रोते रोते आया हूँ। इनका कॉल आया 2-3 बार, मैं नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश किया हूँ बट वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा हर समय पर भगवान ने बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। आज हम लोग जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जैसे हैं, तो सब उन्हीं की कृपा है। तो ऐसा चीज़ें होती रही हमारे साथ कि हर मंथ कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती थी कि हम लोग मिलते ही रहे हैं। और एक इनकी फ्रेंड थी जो इनसे थोड़ा सा बड़ी थी, पूनम नाम था उनका, बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि ये तो चेकआउट करके चली गई थी हॉस्टल से। हाँ। फिर जब भी भोपाल आती थी तो वो हमेशा अपने पास रुकवाती थी इन्हें, वो बिजी में रहती थी यहाँ पे, हमेशा मुझे अपने पास छोड़ लेती थी वो। जितनी बार आई है ये टिल जुलाई तक, तो जुलाई तक इनका 2 से 3 बार में भी शायद आना हुआ है, जून तक इनका 2-3 बार आना हुआ है। तो दोनों तीनों बार वो अपने पास रुकी हैं और बहुत केयर करती थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू पूनम दीदी, आप हमारा, मुझे पता है आप हमारा ब्लॉग जरूर देखेंगी, तो थैंक यू सो मच। उस टाइम पर आपने बहुत हेल्प करी है और बहुत केयर किया है प्रिया का, बिल्कुल छोटी बहन की तरह। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। फिर हम लोग मिलते रहते थे, फिर जब जून का टाइम आया तो मेरे पास भी थोड़ा समय था कि मैं इनके पास चले जाऊं, क्योंकि टाइम हो गया था। फिर मई में शायद हम लोग लास्ट मिले थे और फिर जून में आने का नहीं हो पा रहा था।
पहले पहुंच गया था, मम्मी बाद में आई थी, उनको लेने के लिए मैं गया था वहां पर। ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मम्मी आने वाली थी रीवा मम्मी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि वो तो अभी तक सिर्फ मुझसे मिली हुई थी और मम्मी पापा से सिर्फ फोन में बात हुई थी। और वो आने वाली थी तो वो डायरेक्ट छिंदवाड़ा से रीवा जाने वाली थी और ये थे भोपाल में, तो ये कहते हैं मैं कुछ दिन पहले आ जाता हूँ ना। मैं कुछ दिन पहले पहुंच गया था, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले पहुंचा था, और मम्मी आई थी शायद 11 तारीख को आई थी, 11 फेब को, और वैलेंटाइन डे वीक चला था, तो मैंने कहा क्यों ना हम वैलेंटाइन वीक में ही पहुंच जाएं, कुछ समय साथ में रहने को मिलेगा। तो फिर मम्मी आई तो मैं ही उन्हें पिकअप करने के लिए गया था, फिर अच्छा 2-3 दिन रुकी थी मम्मी है ना, फिर खूब अच्छे से बातचीत हुई, बढ़िया गाना बजाना घर पे, मतलब अलग ही तरीके का माहौल हो गया था, सब लोग खुश थे अच्छे से, पापा जी मम्मी जी लोगों की बात भी हो गई थी अच्छे से शादी वादी को लेकर भी। फिर उसके बाद थोड़ा हमारे अंदर और ज्यादा मतलब एनर्जी आई कि यार अब तो फैमिली वाले मिल गए हैं, शादी होने वाली है। फिर उसके बाद हमारी जो बातें होती थी ना वो शादी से रिलेटेड होती थी, यार ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर मम्मी का जाने का हुआ, तो मम्मी बोली बेटा मैं तो सीधे छिंदवाड़ा ही जाऊंगी, फिर मैं आऊंगी बाद में भोपाल। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, फिर मैं उन्हें, हम लोग सभी लोग गए थे, हम लोग गए थे ना छोड़ने के लिए सभी लोग, फिर हम लोग उन्हें सी ऑफ करके लौटे हैं। तो जब लौटे हैं तो मेरा अंदर से तो मैं इनके साथ वापस घर आ गया, क्योंकि मुझे वापस भोपाल ही आना था, इसीलिए मना रहा था साथ। तो अब मेरा मन भी नहीं था जाने का और मन भी हो रहा था वैलेंटाइन से मनाने का, तो सिचुएशन ऐसी फंस गई कि मेरा रिजर्वेशन था 13 का जाने का, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरे हाथ में हो गया था पेन बहुत ज्यादा, पता नहीं वो हम लोग सो जाते हैं ना कभी तो वो जो थोड़ा वो जो नस डिस्प्लेस हो जाती है तो हो जाता है पेन, तो सच में मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो गया था कि मुझे हाथ उठाते नहीं बन रहा था उस टाइम पर। तो अंदर से लग भी रहा था कि अरे यार दर्द हो गया, अंदर से खुशी भी हो रही थी कि यार चलो ठीक है, इसी बहाने मेरे को रिजर्वेशन कैंसिल कराने को मिल जाएगा, मैं अब वैलेंटाइंस डे करके ही जाऊँ। फिर मैं और 2 दिन रुका, फिर वैलेंटाइंस डे किए हम लोग साथ में सेलिब्रेट किए, 1-2 दिन में दर्द में भी मतलब थोड़ा रिलीफ मिल गया था, फिर मैं रिजर्वेशन करा के भोपाल आ गया, और फिर इनका भी आना जाना लगा रहा, कभी ये आती थी कभी मैं आता था। जुलाई की कि हमारी मम्मी जी का कुछ ट्रीटमेंट था यहाँ पर भोपाल में ही, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट के लिए बोला था। तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जानना चाहेंगे कि इसके आगे क्या हुआ, फिर कैसे शादी हुई, किस तरीके से हमने तैयारियां करी है, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इस पार्ट में बहुत सारा प्यार दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको हमारी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए यार, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज वीडियो पूरा देखा करिए प्लीज। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय 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 बाय।